पूरे विश्व में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद अमन और शांति का पैगाम देने वाला त्यौहार है। इसमें मुसलमान समुदाय के लोग एक महीने तक रोजा रखते हैं और चांद रात के अगले दिन रोजा खत्म होने पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर पुराने गिले शिकवे दूर करके एक नई राह पर चलने का प्रण लेते हैं। पूरे देश में ईद की रौनक छाई रही। वही चंडीगढ़ सेक्टर 20 की जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई, जहां हजारों मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की और अल्लाह से अमन और शांति की फरियाद की। चंडीगढ़ सेक्टर 20 की जामा मस्जिद के मौलाना ने मुसलमान समुदाय में साल में दो बार आने वाली ईद के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि साल में दो बार ईद आती है, जिसमें आज की ईद को ईद उल फितर कहा जाता है जबकि दूसरी ईद को बकरीद कहा जाता है। उन्होंने इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई देते हुए खुदा से दुआ मांगी कि आने वाला समय सबके लिए सुख और शांति लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु। मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों और नौजवान भाइयों, आज जो है ईद उल फितर है। मुसलमान एक महीने तक रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं। जब एक महीने के रोज़े पूरे हो जाते हैं तो फिर ईद मनाई जाती है। और ये ईद जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही मनाते हैं, बल्कि हर धर्म के लोग जो है कोई ना कोई खुशी का दिन मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई वो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई क्रिसमस डे मनाते हैं। ऐसे ही सिख भाई जो है गुरपुर्ब मनाते हैं और दीगर जो धर्म वाले हैं सब अपने अपने धर्म के एतबार से कोई ना कोई दिन खुशी का मनाते हैं। हिंद एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कौर चाहल की रिपोर्ट।